हेलो, हैप्पी टू सी यू अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया टेक्निक लेके। इस टेक्निक को कहते हैं इनर पेसिंग। इनर पेसिंग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही पावरफुल टेक्निक मानी जाती है, और ये इतना पावरफुल टेक्निक है कि इमीडिएटली कोई भी बॉडी में अगर आपके स्ट्रेस है तो वो इंस्टेंटली रिलीज इस प्रोसेस के थ्रू होगा। वेरी पावरफुल टेक्निक एंड इट्स गोइंग टू गिव यू अमेजिंग एक्सपीरियंस एज वेल। अगेन ये गाइडेड रहेगा, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, कमांड दूंगा एंड यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। कुछ दिन इसको गाइडेड कीजिए, उसके बाद में आप सेल्फ कैपेबल होंगे अपने आप करने के लिए। तो चलिए आज के इस टेक्निक को, इस मेडिटेशन को शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं इनर पेसिंग, यानी कि अपने इंटरनल वर्ल्ड पे पूरी अवेयरनेस लेकर के जाना। जैसा कि हम हर टेक्निक में करेंगे और करते हैं, आप पहले पोजीशन ले लीजिए, सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। आप फोल्डेड लेग्स बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं, और अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो आप चेयर पे बैठिए, अपनी स्पाइन सीधी रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी और अपने जो पाम है वो आप अपने थाइस पे रख लेंगे। दिस विल बी योर पोजिशन। सो द फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग अ राइट पोजिशन। तो राइट पोजिशन आप ले लीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप अगर किसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो आप टेक्निक को नहीं करेंगे। इस कोर्स में सिखाई गई मैक्सिमम टेक्निक्स करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि आप ड्राइव ना कर रहे हो या फिर आप किसी टूल को या फिर किसी मशीन पे काम ना कर रहे हो, बिकॉज इन दीज एक्सरसाइजेज यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड मेनी टाइम्स यू विल गो इन ट्रांस। सो इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप दूसरे कोई टूल पे काम कर रहे हो। सो फर्स्ट टेक योर पोजिशन, सिट कंफर्टेबली और अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, नेक स्ट्रेट रखनी है। वेरी गुड। एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज। आई ऑल्सो बी डूइंग इट विथ यू। यू कैन यूज़ हेडफोन्स अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप हेडफोन लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आएगा और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। सो नाउ पुट योर हेडफोन्स, सिट कम्फर्टेबली एंड क्लोज योर आइज। बिल्कुल स्लोली अपनी आँखें बंद कर लीजिए। वेरी गुड। इनहेल डीपली, बहुत ही आराम से इनहेल कीजिए। एंड नाउ एक्सहेल स्लोली। अपने नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और अपने माउथ से एक्सहेल करना है। डू इट 7 टाइम्स। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale deeply from your nose and exhale from your mouth. Inhale deeply and exhale slowly. One more time. Inhale deeply from your nostrils and exhale slowly from your mouth. Now I want you to breathe normally. अब बिल्कुल नॉर्मली आप सांस लेंगे, मेरी आवाज़ से जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे। हो सकता है बीच में आपका ध्यान कहीं और जाने लगे। डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, डोंट क्रिटिसाइज योर सेल्फ, डोंट रजिस्ट। अगर ध्यान कहीं और जाता है, जैसे ही आपको पता चले, आप फिर से अपना ध्यान इस मेडिटेशन में ले आएंगे और मेरी आवाज से जुड़ जाएंगे। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी और चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। अपने चीक्स को, अपने फोरहेड को, अपनी आईज को, अपने नोज को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। वेरी गुड। नाउ वी आर रेडी टू डू इनर पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ योर हेड। अपने सर के टॉप पे फोकस कीजिए, जहाँ से आपके बाल उगना शुरू हो रहे हैं, आपके स्कैल्प पे फोकस कीजिए और देखिए ज़रा कि क्या महसूस आप कर रहे हैं।
हो सकता है कि कोई वॉर्म्थ, कुछ कोल्ड या फिर कुछ हॉटनेस या फिर कोई वाइब्रेशन या सेंसेशन आपको महसूस हो रहे हो। हमारे बहुत सारे नर्व एंडिंग्स हमारे स्कैल्प में होते हैं, जहाँ से हम बहुत सारे सेंसेशंस को रिसीव करते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ योर हेड एंड सी वॉट काइंड ऑफ सेंसेशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। क्या कोई वॉर्म्थ है, क्या कोई वाइब्रेशंस हैं, कोल्ड महसूस हो रहा है, जस्ट एनी सेंसेशन दैट यू आर फीलिंग। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ध्यान अगर कहीं और जाने लगे तो आराम से उस ध्यान को फिर से अपने स्कैल्प पे ले आएंगे। वेरी गुड, यू आर डूइंग अमेजिंग। एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर ईयर्स। अब आप अपने कान पे अपना फोकस ले आइए और देखिए जरा, क्या कोई साउंड, क्या कोई वाइब्रेशन, कोई सेंसेशन, कोई वॉर्म्थ, कैसा टेम्परेचर है, क्या कोई आवाज़ है, क्या कोई सेंसेशन है, उस पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ऑन योर ईयर्स, एक एक करके दोनों कानों पे आप ध्यान दे सकते हैं या फिर एक साथ दोनों कानों पे ध्यान दे सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स, फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स। ये बिल्कुल रिलैक्स रह के आपको ऑब्जर्व करना है। यू डोंट हैव टू जज इट, वेदर इट इज़ अ गुड सेंसेशन और अ बैड सेंसेशन। यू डोंट हैव टू जज इट, यू जस्ट हैव टू फील इट, दैट्स इट। एंड कीप योर फेस, कीप योर फोरहेड कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मेरे साथ जुड़े रहेंगे। Very good. Now, I want you to take your awareness on your eyes. अपनी आँखों पे awareness ले जाइए और जरा देखिए कि आँखों के आसपास क्या कोई warmth, क्या कोई sensation, कोई coldness, कोई vibration, कुछ महसूस होता है eyes sense में। कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ध्यान अगर कहीं और जाने लगे तो फिर से आंखों पे ले आइए एंड ऑब्जर्व दीज सेंसेशंस। वेरी गुड, यू आर डाइविंग इनटू डीप रिलैक्सेशन स्टेट एंड दिस इज गोइंग टू कंप्लीटली एलिमिनेट योर स्ट्रेस। नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस इन योर माउथ। अपने माउथ पे आप फोकस कीजिए, अपनी टंग पे, एंड सी क्या कोई टेस्ट महसूस हो रहा है, कोई आपने खाया हो उसका टेस्ट अभी भी मौजूद हो, क्या कोई कोल्डनेस, कोई वार्म्थ, कोई वेटनेस या ड्राइनेस क्या महसूस होती है। ज़रा अपनी टंग पे, अपने माउथ पे फोकस कीजिए एंड फील व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशंस और वाइब्रेशंस और वॉर्म्थ और वेटनेस और ड्राइनेस व्हाट यू आर फीलिंग इन योर माउथ। वेरी गुड, कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर नोस्ट्रिल। अपने नोज पे फोकस कीजिए कि जब आप ब्रीथ कर रहे हैं तो जब एयर आपके नोस्ट्रिल में जा रही है तो व्हाट आर यू फीलिंग, इज देयर एनी वाइब्रेशन और वॉर्म्थ और कोल्ड, एनी टेम्परेचर दैट यू आर फीलिंग, एनी सेंसेशन दैट इज गोइंग ऑन। जस्ट फोकस, जब ब्रेथ आपके नोस्ट्रिल से टकरा रही है तो व्हाट आर यू फीलिंग, कोई स्मेल तो नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दैट। वेरी गुड,
नाउ आई वॉन्ट यू टू मूव योर अवेयरनेस ऑन द स्किन ऑफ योर फेस, अपनी फेस की स्किन पे जरा अवेयरनेस लाइए एंड देखिए जरा कोई कोल्ड, कोई वार्म्थ, कोई टेम्परेचर, कोई वाइब्रेशन, व्हाट आर यू फीलिंग ऑन द स्किन ऑफ योर फेस। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, स्पाइन इरेक्ट रहेगी और फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए आप ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज, सो कंप्लीटली इमर्स्ड योरसेल्फ इन इट। ध्यान अगर कहीं और जा रहा है तो फिर से अपने चेहरे की स्किन पे ले आइए, कंप्लीटली रिलैक्स फोरहेड, कंप्लीटली रिलैक्स योर आइज एंड ऑब्जर्व द सेंसेशंस यू आर फीलिंग ऑन योर स्किन। वेरी गुड। नाउ आई वॉन्ट यू टू मूव योर अवेयरनेस ऑन योर नेक, अपनी नेक पे अपना फोकस लेके जाइए एंड सी व्हाट आर यू फीलिंग ऑन योर नेक। आपकी नेक सबसे ज़्यादा वजन उठाती रहती है, बहुत सारा स्ट्रेस हैंडल करती है, जरा अपनी नेक को देखिए। हाउ योर नेक इज फीलिंग, व्हाट सेंसेशन इज देयर, इज देयर एनी रिजिडनेस, इज देयर एनी वार्म्थ, इज देयर एनी कोल्ड, और व्हाट डू यू फील व्हेन यू कंप्लीटली फोकस योर अटेंशन ऑन योर नेक। वेरी गुड। यू डोंट हैव टू जज एज इफ इट इज रॉन्ग और राइट, गुड और बैड, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। यू डोंट इवन हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट इट, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व इट, जस्ट गिव इट योर फुल अटेंशन। मोस्टली वी इग्नोर अवर बॉडी, वी आर सो ऑक्यूपाइड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड दैट वी फॉरगेट अवर इंटरनल वर्ल्ड। एंड टूडे टेक टाइम टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ योर बॉडी एंड राइट नाउ यू कंप्लीटली ऑब्जर्व योर नेक। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रखेंगे और अब अपना ध्यान अपने दोनों शोल्डर्स पे लेके जाएंगे और देखिए जरा इज देयर एनी रिजिडिटी इन योर शोल्डर। आपकी नेक और शोल्डर के बीच में क्या महसूस आप कर रहे हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द सेंसेशन, व्हाट इज द वाइब्रेशन, इज इट फ्लेक्सिबल और रिजिड, इज देयर एनी पेन ऑलरेडी देयर, इज देयर एनी इन्फ्लेमेशन दैट यू एक्सपीरियंस, जस्ट फील इट। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, फेस बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे एंड नाउ स्लोली मूव योर अटेंशन इन योर चेस्ट एरिया एंड नाउ फोकस ऑन योर लंग्स। लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हुए महसूस कीजिए। व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन दे आर एक्सपेंडिंग एंड दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन यू ब्रीथ आउट। Again, ask yourself these questions. Warmth, what is the temperature? What is the sensation? कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट रहेगी, फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और अब आप फोकस करेंगे अपने हार्ट पे। सी हाउ योर हार्ट इज बीटिंग, ट्राई टू ऑब्जर्व द रिदम ऑफ योर हार्ट, ट्राई टू लिसन टू योर हार्ट बीट वेरी केयरफुली। Beautiful. This is an amazing experience. Now I want you to focus on your stomach, your gut area, and just see if you're feeling any sensation in your gut. Any tightness or any pain or any sound that you feel? Any vibration, what is the temperature there? Just feel your gut. Very good. Always remember, wherever your focus goes, energy flows,
एंड वेर एवर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो. Now I want you to take your focus on your both kidneys. Take your focus in the back side on your kidneys and again ask this question: what is the temperature? What is the vibration? What is the sensation there? Just observe. मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, neck straight रहेगी और ध्यान अगर कहीं और जा रहा है तो फिर से उसको अपनी किडनी पे लाएंगे. Be connected with my voice. We are almost halfway through the process. This is giving you amazing relaxation. It is releasing your stress. Just keep doing it. Now I want you to turn your attention on your lower back. अपनी लोअर बैक पे जॉइंट जो है, टेल बोन, उस पे अटेंशन लाइए एंड सी इज देयर एनी सेंसेशन और वाइब्रेशन और टेम्परेचर और पेन. व्हाट इज देयर, जस्ट डोंट जज इट, जस्ट ऑब्जर्व, दैट्स इट. वेल डन. नाउ आई वांट यू to again take your attention on your shoulders. अब फिर से अपनी attention shoulder पे लेके जाइए और just imagine that from shoulder you are turning your attention to your elbows. Just see what do you feel in your elbows. From your elbows turn your attention in your wrist. अपनी wrist पे लेके जाइए and see what you are experiencing in your wrist. What is the temperature? What is the weight? Is there warmth? Is there cold? Is there vibration, pain, sensation, any rigidness? Just focus without any judgment. मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, neck straight रहेगी और ध्यान अपनी wrist पे केंद्रित करेंगे. After observing this sensation, now I want you to move your attention down and bring it on your thighs. Apni thighs pe le aaiye and just see what do you feel in your thighs, your left and right. Is there any warmth? Is there any temperature, vibration, sensation, any pressure that you feel there or any kind of pain? Without judgment, just experience it. You don't have to resist, you don't have to judge, you don't have to label it as a good or bad. Just observe it, that's it. From here, I want you to move your attention to your knees. Apne ghutno pe aap attention leke jayenge and just see, is there any warmth or sensation or pain or any kind of vibration? What do you feel there in your left and right knee? Take few seconds and observe carefully. You are inner pacing your inner world and this is going to completely relax your system. Now take your attention to your ankles. अपने ankle पे लेके जाइए और वहां देखिए, इज देयर एनी वाइब्रेशन, इज देयर एनी सेंसेशन, व्हाट डू यू फील देयर. वेरी गुड. मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, ध्यान अगर कहीं और चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से उसको अपने एंकल पे लेके आइए. विथ टाइम योर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस विल इम्प्रूव. And now I want you to focus on the tip of your toes. अपने toes की बिल्कुल tip पे focus कीजिए and see अपने पैर के अंगूठे पे क्या sensation आपको महसूस होता है. कोई tingling है, कोई vibration है, कोई sensation है. What do you feel there? Very good.
नाउ आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक ऑन योर ब्रीदिंग। अब एक बार फिर से अपनी अटेंशन ब्रीदिंग पे ले आइए। जस्ट इनहेल फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल, इनहेल कीजिए नॉस्ट्रिल से और अपने मुंह से एक्सहेल कीजिए वेरी स्लोली एंड वी विल डू इट 5 times। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, वेरी गुड। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। कंधे सीधे रखेंगे, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, फोरहेड कंप्लीटली रिलैक्स रहेगा। इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली, वेरी गुड। अब अपनी उंगलियों को थोड़ा सा आप हिलाएंगे, अपने पैर के अंगूठों को थोड़ा सा हिलाएंगे। बिकम अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग की अवेयरनेस लीजिए कि कैसा टेम्परेचर इस रूम में है, जहाँ भी आप बैठे हैं क्या प्रेशर आप महसूस कर रहे हैं, जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह से, वेरी गुड। और अब अपने दोनों हाथों को रब करते हुए, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, एक हल्की सी गर्माहट अपने दोनों हाथों में पैदा कीजिए और धीरे से अपनी आँखों पर रखते हुए वेरी स्लोली ओपन योर आइज, टेक योर टाइम एंड वेरी स्लोली ओपन योर आइज, वेरी गुड। आई नो अगर आप मेरे साथ इस पूरी मेडिटेशन में जुड़े थे तो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिलैक्सेशन, पीस और एक ठहराव आप अभी महसूस कर रहे होंगे। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज ऑफ इनर पेसिंग। और अब जब भी आपको अगर स्ट्रेस लगे, दिन में एक बार आप ये इनर पेसिंग ज़रूर कर लीजिए। हम लोग कई बार बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से कनेक्ट करना भूल जाते हैं। और मैंने कहा कि जहाँ पे आपका फोकस जाता है एनर्जी वहाँ पे जाती है। और आपने नोटिस किया होगा कि आफ्टर इनर पेसिंग कोई भी पेन अगर आपके शरीर में था तो वो पेन कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है और बहुत ही रिलैक्स आप महसूस करने लगते हैं। तो ये रही एक पावरफुल टेक्निक स्ट्रेस दूर करने की, कम्प्लीटली डिटॉक्स करने की अपने सिस्टम को स्ट्रेस से, जिसे मैंने कहा इनर पेसिंग। रेगुलरली इस टेक्निक को प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे कि स्ट्रेस की कोई जगह नहीं बचेगी आपके जीवन में। मैं आपसे मिलूँगा अगली क्लास में नई टेक्निक के साथ। टिल देन टेक केयर।